वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शॉर्ट फ्रॉक स्ट्रेच करना बताऊंगी जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बराबर में एक बेल का आइकन होगा उसे भी क्लिक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा 2 मीटर का कपड़ा है जिसे मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। पहले हम चोली कट करेंगे। हम चोली की लेंथ ले लेंगे अपनी। मैं 16 इंच लेंथ रख रही हूँ उसकी। दोनों साइड से हम 16 इंच लेंथ का मार्क कर लेंगे। अब मैं अपना इसमें शोल्डर लूंगी जो मेरा 6.5 इंच है और हमारा आर्म होल 7.5 इंच होगा। मेरी बॉक्स बना दूंगी। इसके बाद मैं 14 इंच पे निशान लगाऊंगी जिस पर मैं अपनी कमर की फिटिंग लगाऊंगी। 14 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। हम यहाँ पर अपना 2 इंच का निशान लगाएंगे और इसे एक राउंड शेप दे देंगे। अब मैं अपनी चेस्ट के फिटिंग पे निशान लगाऊंगी जो मेरा 9.5 इंच है और जहाँ हमने 14 इंच पे निशान लगाया था वहीं पे मैं अपनी वेस्ट का निशान लगाऊंगी जो मेरा 8.5 इंच है और मैं इन दोनों निशान को मिला दूंगी और फिर 1-1 इंच के मार्जिन रखूंगी इसके अंदर में और इसे अब मैं 0.5 इंच का निशान लगाऊंगी यहाँ और इसे एक शेप दे दूंगी। अब मैं इसे कट कर लूंगी। ये मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसकी बैक साइड पे भी इसके फिटिंग का निशान लगा दूंगी। मैं ऊपर उंगली रख के नीचे निशान लगा रही हूँ। अब इन्हें मिला दूंगी मैंने। अब मैं इसका बैक साइड निकाल दूंगी। ये मेरा फ्रंट पीस है। अब मैं इसका गला कट करूँगी। ये मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया इस पर और लेंथ में इसमें 6.5 इंच ले रही हूँ गले की। इसमें भी मैं बॉक्स बना दूंगी और एक राउंड शेप दे दूंगी इसे भी और इसे कट कर लूँगी। ये मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसके आगे शोल्डर की गहराई करूंगी। ये बहुत ज़रूरी होती है। ये मैंने गहराई कर दी है। 0.5 इंच की गहराई हुई होगी ये। अब मैं इसका फ्रंट पीस कट कर दूंगी। आगे से 2 पीस कर दूंगी मैं इसके। ये मैं रख के दिखाती हूँ आपको। ये मेरा बैक साइड है। बैक साइड पे भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और लेंथ में इसमें 6 इंच ले रही हूँ। इसमें भी सेम प्रोसेस से मैं बॉक्स बना के राउंड शेप दे दूंगी और इसे कट कर लूंगी। अब मैं इसकी स्लीव्स कट करूंगी। ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है। मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और पहले मैं लेंथ लूंगी। लेंथ में 16 इंच ले रही हूँ। दोनों तरफ से मैं 16 इंच लेंथ ले लूंगी। अब मैं इसमें अपना मोंडा लूंगी जो मैंने 7.5 इंच लिया था। 7.5 इंच पे मैं इस पर मार्क करूंगी और ये मैं 2.5 इंच पे एक लंबी लाइन ड्रॉ करूंगी और इसे यहीं से हम अपनी गहराई करेंगे, मोंडे की कट करेंगे। ये देखें, ये मैंने यहीं से कट कर लिया है। मैं अपनी मोरी मेरी 5 इंच की है जो मैंने निशान पहले से लगा दिया था। ये हम मोरी से लेके मोंडे तक एक निशान ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया है। ये
ये मेरा ऊपर का है और ये मेरा नीचे की गहराई है जो मैंने दो पल्ले उठाकर गहराई करी है। अब मैं इसकी मैं चोली से नीचे की लेंथ काट लूँगी जिसमें मैं प्लेट्स डालूँगी। इसे मैंने ऊपर से कट कर लिया और इसके दो पीस कर लिए हैं। अब मैं आपको गला बताती हूँ। मैंने कट हुआ हुआ गला ले लिया है। ये मेरा वेस्ट कपड़ा है, ये मेरी बंद साइड है और ये ओपन साइड है। मेरी बंद साइड की तरफ ही इसे गले को रखेंगे। और इसे मार्क कर लेंगे। जितना हमारा गला कट हुआ हुआ है इतना ही हम इसे मार्क करेंगे। सेम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस पर एक एक इंच का मार्जिन लेके डबल लाइन कर देंगे। और इसे कट कर लेंगे हम। ये मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसके भी दो कर दूंगी, गले के बीच में से कट कर दूंगी इसे भी। ये मैंने कट कर लिया है इसे, ये देखें आप। मैं इसे लगाना बताती हूँ। अब ये मेरी शर्ट है, ये हम इसे सीधी साइड पे उल्टा गला रखेंगे। और इसे स्टिच कर लेंगे। मैं पिन लगा के दिखाती हूँ आपको। ये मैंने पिन लगा दिया है। सेम हम दूसरे पे भी ऐसे ही करेंगे। और हम स्टिच करने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो हमारा गला रेडी हो जाएगा। ये देखें आप। सेम प्रोसेस से मैं सेकंड गला भी इसी तरह कर दूंगी। ये मैंने स्टिच कर लिया है इसे। अब मैं इसे कि लुप्पी के लिए एक पट्टी बनाऊंगी जिसे मैं फोल्ड कर दूंगी। ऐसे बारीक फोल्ड करेंगे हम। इस पर सिलाई कर लूंगी। ये मैंने लुप्पी के सेम साइज के पीस कर लिए हैं। हम अपनी चोली पे सीधी साइड पे हम अपनी लुप्पी रखेंगे जैसे मैं रख के बता रही हूँ सेम इसी तरह। और इस पर हम सिलाई कर लेंगे ऐसे। और एक सिलाई मार लेंगे हम इस पर। ये मैंने सिलाई कर ली है इस पर सारी लुप्पी लगा के। अब इसे हम अंदर की तरफ मोड़ के ऐसे और दूसरे पीस के ऊपर रख देंगे और ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे। ये मैंने सिलाई कर ली है इस पर। अब हमने जैसे आगे का बनाया है ऐसे ही हम बैक साइड का भी गला बना लेंगे। ये हमारी गला बना लिया है हमने। अब हम इस पर शोल्डर जोड़ लेंगे इसके। ये हमने शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब मैं आपको स्लीव्स स्टिच करना बताऊंगी। ये हमारी चोली हमारी सीधी साइड है और आस्तीन हम उल्टी रखेंगे और इस पर पिनअप करते चले जाएंगे। ये मैं ऐसे ही स्टिच करूँगी जैसे पिन लगा रही हूँ। ये मैंने पिन लगा दिए हैं पूरे इस पर। हम ऐसे ही स्टिच करेंगे इसे। ये देखें, ये उल्टा सीधा होके कुछ ऐसे दिखेगा। सेम प्रोसेस से मैं सेकंड भी ऐसे ही कर लूँगी। ये मैंने स्लीव स्टिच कर ली हैं। अब मैं इसकी साइड पे स्टिच करूँगी, फिटिंग लगा लूँगी। ये मेरी चोली से नीचे की लेंथ है जिसे मैंने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। और अब मैं इसमें दो दो इंच पे मार्क कर दूँगी। ये मैंने मार्क कर लिया है दो दो इंच पे। मैं अपनी चोली लूँगी। ये मेरी सीधी चोली है और ये
पट्टी है नीचे की, ये मैं इसके अंदर करके इसकी साइड की सिलाई से साइड की सिलाई पे पिनअप करूँगी। दोनों कपड़ों की हम साइड की सिलाई पे पिनअप कर लेंगे, इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। जितना हमारा कपड़ा बचेगा उस पर हम प्लेट्स डालेंगे। और अब मैं इसमें प्लेट्स डाल के बताती हूँ, ये मेरा निशान है, इसे मैं सिलाई से मिलाऊंगी। एक प्लेट हम राइट साइड डालेंगे और एक प्लेट हम लेफ्ट साइड डालेंगे। ये हम चोली के साथ ही हम इस पर स्टिच करेंगे। पिन लगा दी है मैंने। इसी तरह हम दूसरे निशान को तीसरे निशान पे रख के रखेंगे, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे दूसरे निशान को, ये देखें, और अपनी चोली के साथ ही हम इसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह सेम प्रोसेस से हम करेंगे। एक प्लेट हम राइट साइड डालेंगे और एक प्लेट हम लेफ्ट साइड डालेंगे। इसी तरह मैं पूरे घेरी पे अपनी प्लेट्स डाल लूँगी। सेम इसी तरह आप लगाएं प्लेट्स इस पर, बहुत सुंदर फ्रॉक स्टिच होएगी ये। बैक साइड पे भी मैं सेम इसी तरह प्लेट्स डालूंगी। इसे फोल्ड करना चाहते हैं तो फोल्ड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। ये मेरा फाइनल लुक है, ये देखें आप कितनी सुंदर फ्रॉक स्टिच हुई है। अगर आपको मेरी ये स्टिच हुई फ्रॉक अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें।